हेलो क्लास सेवेंथ, मैं हूँ रोहित और लास्ट टाइम हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टाइड्स। ठीक है, और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया है हम लोगों ने। दो टाइड्स को समझा है, स्प्रिंग टाइड टाइड्स। टाइड्स होती क्या हैं, क्यों आती हैं, अर्थ की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी, ये तीनों मिलके कॉज करती हैं टाइड्स को। उसके बाद हमने ये समझा है कि टाइड्स की जो टाइमिंग होती है उसमें वो एग्जैक्ट टाइमिंग क्यों नहीं होती है हर 12 घंटे के बाद में या 24 घंटे के बाद, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ लूनर डे की वजह से, क्योंकि वो उसका समय होता है 24 घंटे 56 मिनट और कहीं कभी 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 कुछ बुक्स में 50 मिनट भी लिखा है, लेकिन जो अभी हम लोग फाइनली मान रहे हैं अपनी बुक में वो 24 घंटे 50 मिनट। तो हर 12 घंटे 25 मिनट के बाद वो पोजीशन आएगी जहाँ पे टाइड आएगा। वो जो 25 मिनट का फर्क आता है उसकी वजह से वो थोड़ा समय का गैप आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है वेव्स। अब देखते हैं वेव्स के टॉपिक में क्या दिया है। अगर आप एक चाय के कप में फूंक डालते हैं या गर्म गिलास, गर्म दूध का गिलास है, तो क्या होगा कि वाइल ड्रिंकिंग रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द मिल्क और द टी इन द सेम वे, बिकॉज द फेसेस ऑफ विंड वाटर अपीयर्स टू बी मूविंग, द सी वाटर गेट्स पुश्ड बाय द विंड एंड रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस, दीज आर कॉल्ड वेव्स। यानी ये एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं कि अगर आप गर्म गिलास का दूध या चाय में फूंक डालते हैं, ब्लो करते हैं एयर को, तो उसमें लहर बनती है, मतलब रिपल्स आते हैं, रिपल्स माने लहर बनती है। और आप देखेंगे कि वो जो सरफेस की सतह है उसमें अप्स एंड डाउन्स हो, तो ये समझाने की कोशिश करें। इसी तरह से सी वाटर में भी होता है कि जब हवा उसके ऊपर से गुजरती है तो रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस एंड दीज आर कॉल्ड वेव्स। तो जब हम चाय के कप में या दूध के ग्लास में फूंक डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि लहरें उठती हैं। ठीक है, और वो लहरें उसको हम बड़े उस पर देखें तो उसी के ऊपर देखें जो हवा उसके ऊपर से गुजरती है। तो इसका सिंपल सा अगर हम कहें कि क्या इसका डेफिनेशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मूवमेंट इन ओशनिक वाटर, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी रिप्रेजेंटेड बाय विलियम हावेल इन 1842। प्रोफेसर एरी डिस्क्राइब्ड अबाउट दीज वेव्स एज कैनाल वेव्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। प्रोफेसर एरी ने भी यही बताया, एक अच्छे साइंटिस्ट थे, कि ये है क्या, वेव्स क्या है, वेव्स वो है, वेव्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। जो विंड एक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है उसको हम वेव्स कहते हैं ओशनिक वाटर में। तो वेव्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, जबकि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जिन्होंने प्रेजेंट किया विलियम हेल, उनके साथ क्या है कि वेव्स आर ऑसिलेटरी मूवमेंट इन द ओशनिक वाटर। ठीक है, ऑसिलेटरी मूवमेंट इन द ओशनिक वाटर। आगे देखते हैं बुक में क्या बताया जा रहा है। द सी वाटर कम्स अप, सी मूव्स अप एंड डाउन और स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यू टू द वेव्स। द वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेन्ड इन देम ड्यू टू द कोस्ट। वेक इन द शैलो वाटर नियर द कोस्ट, लार्ज एंड स्मॉल वेव्स आर फॉर्म्ड कंटिन्यूअसली एट द सर्फेस ऑफ द सी जनरेशन। अ वेव इज नेचुरल एंड रेगुलर ऑकरिंग फिनोमेना टू सी फिगर 3.10। अभी दिखा रहे हैं कि देखिए वेव्स जो हैं वो पानी लेके कोस्ट की तरफ आ रही हैं। आप कहेंगे टाइड्स सर क्या होती हैं, टाइड्स में हाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल वेव्स आ रही हैं और वो कोस्ट तक आएंगे, जबकि टाइड्स जो होते हैं वो उनकी हाइट होती है और वो काफ़ी विग्रस होते हैं, स्पीड तेज होती है, और वेव्स एक नॉर्मल है कि वो विंड की वजह से अप्स एंड डाउन्स हो रहा है पानी के ऊपर। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को समझें। अब हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाता हूँ। तो ये रहा मेरे पास एक बड़ा सा डायग्राम। अब पार्ट्स ऑफ वेव, अगर हम सी को देखें तो ये सी का लेवल है पूरा सिंपल।
अब जब हवा इसके ऊपर से गुजरेगी तो क्या सी वाटर में उछाल आएगा, फिर वो नीचे आएगा, तो इसको हम बोलेंगे वेव लेंथ। अब ये जो सबसे पीक पॉइंट है, जो सबसे उसका पानी की सतह का ऊपर उठना है, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट ऊपर आएगी, और जो नीचे जाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रॉफ। तो ट्रॉफ नीचे हो गया और क्रेस्ट सबसे ऊपर हो गया, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने, या फिर एक ट्रॉफ से दूसरे ट्रॉफ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, जो वो है, उसको हम बोलेंगे वेब लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला, तो वो उसको वेब लेंथ देंगे, उसको बोलेंगे वेब पीरियड बोलेंगे, और जो डिस्टेंस होगी, उसको जो डिस्टेंस कवर करेगा वो यहां से यहां तक, उसको बोलेंगे वेब लेंथ। ठीक है, तो वेब लेंथ हो गई कि जितनी उसने डिस्टेंस देखी एक वेब से, एक वेब क्रस्ट से दूसरे वेब क्रस्ट तक, और जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे वेब पीरियड। फिर एक आता है एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब एम्पलीट्यूड का सीधा मतलब है कि जितना वो ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम। ठीक है, तो ये हमारा मेन डायग्राम है कि पानी का सबसे ऊपर उठना वो क्रेस्ट है, वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है, टाइम जो लगा उसको वेब पीरियड कहेंगे, और वेब हाइट जो है वो कितनी होगी, नीचे जाने को भी माना जाएगा, ऊपर इसको पूरे को वेब हाइट बोलेंगे, और एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम ऊपर जाना वो एम्पलीट्यूड है। ठीक, वापस बुक में चलते हैं, तो यही डायग्राम आपके बुक में भी समझाया गया है। अब सी वाटर गेट पुश्ड अप डाउन बिकॉज ऑफ द विंड, रेज्ड अप पोर्शन ऑफ द वेब इज कॉल्ड क्रेस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि जो रेज पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे, जो ऊपर तक वो जा रहा है। एंड डिप्रेस वन इज कॉल्ड ट्रफ, जो सबसे नीचे जा रहा है वो डिप्रेस यानी ट्रफ हो जाएगा, ट्रफ हो गया। इफ अ स्टॉर्म इज ब्लोइंग इन वन डायरेक्शन, लार्ज वेव्स आर जनरेटेड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड द फॉलोइंग ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और जो ट्रफ से लेके क्रेस्ट तक जो जा रहा है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अभी जो एम्पलीट्यूड आया मैंने बोला था कि ट्रफ एंड क्रस्ट कि जो मैक्सिमम हाइट होगी, टोटल हाइट हो गई, उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो जो डिस्टेंस है दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रॉफ के बीच में वो वेव लेंथ है, और जो टाइम लगेगा उसे हम पीरियड कहेंगे। ठीक है, द वेव लेंथ इज इट्स एम्पलीट्यूड एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो वेव लेंथ है और जो उसका एम्पलीट्यूड है और जो उसकी वेलोसिटी, वो डिपेंड करती है, क्या वेलोसिटी है विंड की। जितनी स्पीड से हवा उसके ऊपर से गुजरेगी उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ होगी, उतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा और उतनी उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये पानी की सतह के ऊपर से जब हवा गुजरती है, वायु गुजरती है, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट होता है, और वो जो अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट है उसकी वजह से क्रस्ट, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, वेब पीरियड, ये सब नई नई बातें हमें समझने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई वेव्स की। तो वेव्स क्या है? बहुत सिंपल है, वेव्स आर ऑसिलेटरी मूवमेंट इन द ओशनिक वाटर, या फिर आप कह सकते हैं वेव्स आर प्रोड्यूस बाय विंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो काफी आपने चीजें क्लियर कर ली। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रेस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ट्रॉफ, What is the definition of wavelength? What is the definition of amplitude? What is the definition of wavelength? ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही हैं। तो यही आपका होमवर्क है कि आप आज इन सब की डेफिनेशंस को लिखें, इस डायग्राम को बनाएं 3.1 को, 3.11 को, और इस पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है इसको समझना, क्योंकि काफी क्लोज है फिजिक्स वालों के साथ में। तो ये हो सकता है आपको इन फ्यूचर ये टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने को मिले। तो अपने ज्योग्राफी में बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं फिर से एक बार आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। जब जैसे हम लोग दूध के गिलास में, गर्म दूध के गिलास है या चाय है, कॉफी है, उसमें जब फूंक मारते हैं तो हम देखते हैं उसमें रिपल्स आते हैं, रिपल्स माने लहरें उठती हैं, और ये रिपल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिपल्स माने लहरें उठती हैं। और उसी तरह का सेम अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो
समुद्र के पानी में जब ऊपर हवा गुजरती है तो पानी क्या उसके साथ मूव करेगा थोड़ा बहुत, और उसका ऊपर जाना क्रेस्ट है और नीचे जाना ट्रॉफ है, और ट्रॉफ से की दूरी उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम हाइट होगी नीचे से ऊपर तक, और जो दो क्रस्ट सक्सेसिव या दो ट्रॉफ सक्सेसिव के बीच में डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ, और जो टाइम लगेगा वो एक पीरियड होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। इसको और समझिए, डायग्राम बनाइए और इन सब छोटी छोटी डेफिनेशंस को लिखिए नोटबुक में, क्रेस्ट ट्रॉफ वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला टॉपिक स्टडी करेंगे।